इन दिनों अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ओपीडी फुल है। इनमें ज़्यादातर मरीज डेंगू, H3N2, मलेरिया के हैं और लगातार मरीजों की संख्या में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हैं, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे और बुजुर्ग जल्द ही रिकवर नहीं हो पाते हैं, बार बार बीमार पड़ने लगते हैं और जल्द ही संक्रमित हो जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लेकिन अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि आपका बार बार बीमार पड़ने का ताल्लुक आपकी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ हो सकता है, इसे लेकर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर ऑफ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर रोमेल टिक्को बताते हैं कि ज़्यादातर बच्चे, बुजुर्ग या प्रेग्नेंट विमेन हॉस्पिटल स्टाफ और भीड़भाड़ वाली जगहों पर काम करने वाले लोगों को बार बार बीमार पड़ने की शिकायत ज़्यादा रहती है। इसके पीछे कमज़ोर इम्यूनिटी एक बड़ी वजह है। खासकर COVID-19 के बाद ये परेशानी बढ़ गई है। लोगों की इम्यूनिटी हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, जिसके चलते वे किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने में असमर्थ हैं। हालांकि इन सब से अलग हमारे पास हर मौसम में कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनकी इम्यूनिटी तो ठीक होती है, लेकिन वे फिर भी अलग अलग तरीकों से बीमार हो रहे हैं और उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम है। ऐसा आपकी बॉडी में कुछ ज़रूरी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग अपनी बुनियादी विटामिन की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही उनके बार बार बीमार पड़ने की वजह है। आइए जान लेते हैं उन 3 पोषक तत्वों के बारे में जो आपके बार बार बीमार पड़ने की वजह बन रहे हैं। इसमें पहला है विटामिन B12, दूसरा है विटामिन डी और तीसरा है आयरन। अब एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व बॉडी के लिए एक ज़रूरी विटामिन है। ये आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने, जहनी तौर पर कामकाज को बेहतर करने और DNA पर प्रभाव डालने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो ये अंदर से आपको खोखला बना सकता है। बार बार बीमार पड़ने के पीछे इसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 की कमी की वजह से आपका इम्यूनिटी सिस्टम सही से काम नहीं करता है। इस वजह से एक इंसान को बेवजह थकान रहने लगती है, उसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है, खून की कमी हो जाती है, दिल की असामान्य गति और कब्ज़ जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विटामिन डी। हेल्दी रहने के लिए आपकी बॉडी में विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। प्रतिरक्षा प्रणाली से लेकर हड्डियों की मजबूती तक शरीर को कई अलग अलग प्रोसेस के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की कमी से ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जिन्हें शुरुआत में हम हल्के में लेते हैं, लेकिन बाद में ये बड़ी बीमारी की वजह बन सकती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, डिप्रेशन, मांस पेशियों में थकान जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आयरन। इन सब के अलावा आयरन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिशन है और इसकी कमी की वजह से जल्दी जल्दी एक इंसान बीमार पड़ सकता है। अगर आयरन की कमी का जल्द से जल्द इलाज ना किया जाए तो इससे कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियां आपको हो सकती हैं और उनका खतरा भी आपके ऊपर बना रहता है। आयरन की कमी के चलते एनीमिया की समस्या हो सकती है, ये जानलेवा स्थिति भी बन सकती है। वहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। लेकिन अपनी बॉडी में अगर आप इस तरीके के लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो उसका इलाज कराना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और जो चीज़ें आपको बताएं उनकी जांच करवा के डॉक्टर से सलाह लें, ताकि आप जल्द से जल्द हेल्दी हो सकें और एक खुशी जीवन जी सकें। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।